दुनिया के कई देशों से दुश्मनी लेकर चीन विवादित दक्षिणी चीन सागर पर अपना हक जमाता आया है। यहां तक कि समुद्र से लेकर आसमान तक चीन किसी देश को नजर भी नहीं उठाने देता, लेकिन अमेरिका चीन के दावों को दरकिनार कर लगातार उसकी चिंता बढ़ाता जा रहा है। समुद्र में युद्धपोत तैनात करने के बाद अब अमेरिका ने आसमान में भी अपना दम दिखाया। चीन को चुनौती देते हुए अमेरिकी वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों ने विवादित दक्षिणी चीन सागर के ऊपर से उड़ान भरी है। अमेरिकी वायुसेना ने इसकी जानकारी दी और इस क्षेत्र पर चीन के दावे को खारिज करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानने पर जोर दिया। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में अमेरिकी लड़ाकू विमानों B-1B लांसर्स ने उड़ान भरी। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि यह हमारे सहयोगियों के साथ ऑपरेशंस के संचालन करने की क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ चीन हमेशा से ही साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता रहा है। इस इलाके पर चीन के पड़ोसी देश ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी अपना दावा करते आए हैं। साउथ चाइना सी के रास्ते हर साल करीब $50 खरब का व्यापार होता है। यह सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि चीन इस इलाके में अपना दबदबा चाहता है। बीजिंग अक्सर इस इलाके के हवाई क्षेत्र में दूसरे देशों के विमानों के आने का विरोध करता रहा है। अमेरिका साउथ चाइना सी क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य सुविधाओं के निर्माण की हमेशा से आलोचना करता आया है। उसका मानना है कि बीजिंग इसका इस्तेमाल अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए कर रहा है। आपको बता दें कि बीते महीने भी अमेरिका के दो B-1B विमान ने गुआम से साउथ चाइना सी के ऊपर तक उड़ान भरी थी। वहीं मई के आखिरी में अमेरिकी जंगी जहाज भी इस इलाके में गश्त करते पाए गए थे। भले ही उत्तर कोरिया पर कार्रवाई को लेकर चीन और अमेरिका साथ साथ हो, लेकिन विवादित दक्षिणी चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बरकरार है। चीन अमेरिका को इस क्षेत्र में दखल ना देने की चेतावनी देता है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका अक्सर चीन की चिंता बढ़ा ही देता है। देखते रहिए डीबी लाइव।